वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में स्ट्रिक ऑटो बाय सेल के बारे में बात करेंगे यूजिंग क्रोम एक्सटेंशन एंड यूजिंग क्रो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको क्या करना है, क्रोम एक्सटेंशन स्टोर ओपन करना है। ओके, गूगल में सर्च कीजिए, पहले लिंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है ट्रेड रॉकेट। ओके, दैट इज द एक्सटेंशन। आपको वो क्या करना है, इंस्टॉल करना है ट्रेड रॉकेट एक्सटेंशन। ओके, तो ये पहला है। ओके, तो आप पहला पे जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड टू क्रोम फर्स्ट पे, ट्रेड रॉकेट ऐड टू क्रोम। तो यहाँ पे आके आप क्लिक कीजिए ऐड टू क्रोम, सो वो एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। ओके, फिर आप कॉर्नर में ट्रिपल डॉट है वहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके, वहाँ पे जाके मोर टूल्स में आप एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे एक बार चेक लीजिए, डेवलपमेंट मोड ऑन कीजिए और ये जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है वहाँ पे उसको ऑन कीजिए। ओके, तो ये स्टेप आपको करने हैं। तो अब स्ट्रिक में हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिससे हम ऑटो बाय और सेल करेंगे। सो क्रिएट न्यू। मैं सिर्फ फिलहाल अभी दो स्टॉक ले रहा हूँ, ऑक्सीजन एचडीएफसी बैंक। ओके, वन मिनट पे हम एग्जीक्यूट करेंगे, कितनी एक ही क्वांटिटी बाई करेंगे जस्ट फॉर डेमो पर्पस। आरएसआई, ओके, आरएसआई प्रोसेस इंस्टेड ऑफ प्रोसेस व्हाट वी आर गोइंग टू सी हायर देन, ओके, 50। ओके, अब स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे पॉइंट टू रखा है, टारगेट पॉइंट टू रखा है, तो आपको पता चलेगा। एड एग्जिट कंडीशन हम क्या करेंगे, लोअर देन 50। ओके, वन मिनट पे है तो कभी भी सेल करना है वो हम देख लेंगे एक बार। स्ट्रेटजी मैंने ऑटो कुछ चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, सो एडवांस में कुछ चेंज नहीं किया, जस्ट सेव एंड बैक टेस्ट ऑटो। ठीक, अब आपको क्या करना है, उस पर डिप्लॉय करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे अभी फिलहाल मेरे कोई यहाँ पे देख सकते हो मेरे एचडीएफसी बैंक और एक्सिस का कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय। और आपको क्या करना है, वन डे स्ट्रेटजी सी टू या थ्री रखते हैं, एमआईएस रेगुलर ऑर्डर। ओके, एंड टेक लाइव। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है, और कंडीशन जैसे ही आएगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑर्डर, ये पेज आपको ओपन रखना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा यहाँ से सीधा ऑटो बाय सेल हो जाएगा। मैंने अभी कुछ नहीं किया, जस्ट वेट फॉर वन मिनट, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑर्डर आएगा नोटिफिकेशन और वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लिक होगा। जस्ट वेट वन मिनट, आपको ये एक्सटेंशन ऑन रखना है। ठीक है, और ये पेज ऑन रखना है। जैसे ही वन मिनट कंप्लीट होगी नोटिफिकेशन आएगा और वहां पे ऑटोमेटिकली क्लिक होगा बाय का ऑर्डर। ठीक है, वन मिनट पे हम देख लेते हैं, आरएसआई ग्रेटर देन 50 है, 40 है। ओके, देखो यहाँ पे आ गया और ऑटोमेटिक वो बाय भी रख देगा। देखो अब ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पे उसने बाय कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, बाय कर दिया, ये देखो यहाँ पे वन एचडीएफसी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इस एक्सटेंशन में स्टॉप लॉस नहीं रख रहा, तो आप स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा क्लिक करके। ठीक है, तो ये मैं अगर सेल करूँगा तो आप देख सकते हो मेरा एसएल का ऑर्डर यहाँ पे रख गया। जस्ट रिफ्रेश इट, देखो यहाँ पे ये मेरा एसएल का ऑर्डर आ गया। अब बाय की अब जो सेल की कंडीशन हमने रखी है ना, 0.2% या फिर जो हमारी जो अल्गो की कंडीशन है, देखो आप ऑर्डर कम्प्लीट जो अल्गो की जो कंडीशन है ना, पॉइंट टू परसेंटाइल टारगेट और हमारे अल्गो की जो कंडीशन है, आप देखो ये ऑटो स्ट्रिक सेल ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, अगर आपको देखना है आप देख सकते हो वहां पे जाके लाइव स्ट्रेटेजी में एचडीएफसी बैंक। ओके, और यहाँ पे आपको एक एसएल ऑर्डर कैंसिल का पूछ रहा है, यहाँ पे आप दे जाके देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली मेरा टारगेट या फिर स्टॉप लॉस जो भी अचीव हुआ होगा। ठीक है, क्या अचीव हुआ है, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एसएल कैंसिल करना पड़ेगा, वो कैंसिल बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ पे जाके एक बार कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीटेड, आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक बार देख लो मेरा कोई एसएल ऑर्डर कैंसिल। ओके, अभी भी एक जस्ट
देखते हैं अभी वन रन हो रहा है तो। सो मतलब कि यहाँ पे क्या है, जब भी आपको एसएल ऑर्डर रखना है तो वो आपको मैन्युअली रखना पड़ता है, बाय सेल ऑटोमेटिकली हो जाता है जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब। ओके, इसको भी मैं ऑटो ट्राई करने की ट्राई करूँगा, ये एक्सटेंशन को मॉडिफाई करने की मैं ट्राई करूँगा अगर हो सके तो। ओके, और यहाँ पे ये जो एसएल ऑर्डर आता है वो भी ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए और ऑटोमेटिकली ज़ीरोडा में आ जाए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जस्ट इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन। ओके, और आप एक बार वन और वन लॉट वन फोनटी से आप ऑटो बाय सेल करके एक बार देख लो। जब भी आपको अगर ट्रेडिंग ऑफ करनी हो जस्ट क्लोज दिस एक्सटेंशन। ओके, क्योंकि आपको वरना ये बाय मिस्टेक अगर आपकी स्ट्रेटेजी ऑन रह गई और ये एक्सटेंशन ऑन होगा तो आपका ज़ीरोडा में सीधा ऑर्डर चला जाएगा अगर आपने साइन अप ज़ीरोडा से किया होगा। ओके, सो दिस इज द सिंपल स्ट्रेटेजी और सिंपल एग्जीक्यूशन, ऑटो बाय एंड सेल एक्सेप्ट एसएलएम ऑर्डर। ओके, आप एसएलएम ऑर्डर से बाय सेल विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन आप कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद अदर्स। थैंक यू।